regulatory mechanism for over-the-top OTT communication service and selective banning of OTT service. देखिए OTT regulation लेकर के अब बहुत चर्चा हो रहा और केबल ऑपरेटर के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट इशू होके अभी आ रहा है. OTT सर्विस केबल इंडस्ट्री में जो बेस है वो हिला दिया है, क्योंकि OTT सर्विस में केबल टीवी का लाइव चैनल दिखा जाता है, वो भी ट्राई का जो रेगुलेटेड प्राइस है उससे भी सस्ता में. इसलिए नेचुरली केबल इंडस्ट्री और केबल ऑपरेटर इस विषय का कोई एक हल निकालना चाहता है. देखिए तो ये OTT रेगुलेशन लेके मैं अभी बात करूँगा थोड़ा डिटेल में, टू हैव एन आइडिया ऑन द होल सब्जेक्ट. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं केबल वाला यूट्यूब चैनल, आपका मेरा सबका यूट्यूब चैनल. मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ. मोबाइल एंड फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया है, उसका साथ साथ जो हुआ है वैरायटी ऑफ OTT मतलब ओवर द टॉप सर्विस चालू हो गया, जिसको ITU मतलब इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन बोलता है. एप्लीकेशन एक्सेस एंड डिलीवर्ड ओवर द पब्लिक इंटरनेट सर्विस व्हिच इज ए फंक्शनल सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम. एग्जाम्पल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्काइपी, ट्विटर, फेसबुक एट्सेट्रा. देखिए वर्ल्ड का जितना देश है उसका मापी भारत में भी जो OTT इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए ट्राई एंड DOT 2015 में 27 मार्च एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया था, लेकिन वो कंसल्टेशन पेपर इनकम्प्लीट मतलब इनक्लूसिव रह गया, क्योंकि उस समय लोग ने नेट न्यूट्रलिटी लेकर के थोड़ा उलझा हुआ था. इसका बाद 2018 12 नवंबर फाइनली एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया था. कंसल्टेशन पेपर ऑन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओवर द टॉप OTT कम्युनिकेशन सर्विस, ये 2018 साल में जो कंसल्टेशन का जो व्यूज लिया गया था, ट्राई ने वो रिकमेंडेशन पठाया था DOT को. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओवर द टॉप OTT कम्युनिकेशन सर्विस डेटेड 14/9/2020. इस रिकमेंडेशन में बोला गया था मार्केट फोर्स मे बी अलाउड टू द सिचुएशन विदाउट प्रिस्क्राइबिंग एनी रेगुलेटरी इंटरवेंशन, मतलब मार्केट फोर्स को उसको सही करने दीजिए, जो मार्केट क्या मांगता है उसके लिए रेगुलेटरी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए. मतलब मार्केट का डेवलपमेंट मॉनिटरिंग किया जाएगा और सही समय पे वो इंटरवेंट किया जाएगा. नो रेगुलेटरी इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूज रिलेटिंग विद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ OTT सर्विस एट द मोमेंट. ये भी बोला गया था अभी जो सिचुएशन है उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशू लेकर के OTT को रेगुलेट करने का कोई जरूरत नहीं. इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मोमेंट टू रिकमेंड और ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. द मैटर विल बी लुक्ड व्हेन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन विल इमर्ज इनटू द इशू. ये भी बोला गया था ये अप्रोप्रिएट सही समय नहीं है जो मार्केट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाए, क्योंकि उस समय ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वो जो था, जब तक ना वो कोई अपना बात रखता उस समय तक इंडिया गवर्नमेंट का ट्राई भी ये छोड़ के रखना चाहता था. इस बार DOT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब गवर्नमेंट को एक कमिटी को जो बना था उसको एक बैक रेफरेंस भेज दिया था, जैसा ऑन वो था September 9, 2022, जिसमें लिखा गया था ट्राई ने जो इंटरवेंशन के लिए जो जरूरत नहीं समझा इस कंसल्टेशन पेपर ऑन OTT उसका सजेशन, लेकिन कुछ डिटेल नहीं था, मतलब जो जस्टिफिकेशन था वो डिटेल नहीं था. और OTT सर्विस का ह्यूज डिमांड एंड ग्रोथ होने का कारण ये जरूरी हो गया था कि OTT सर्विस में रेगुलेशन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सेफ्टी एस्पेक्ट देखने का जरूरत पड़ गया था. इसके ऊपर खड़ा होकर करके कमिटी ने रिकमेंड किया कि OTT सर्विस का रेगुलेशन लाने पड़ेगा, अलोंग विथ सर्विस बैनिंग
ऑन ओटीटी सर्विस सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब सर्विस में बैनिंग लाने पड़ेगा, क्योंकि कंट्री में जब कोई अनरेस्ट सिचुएशन अराइज करता है, जैसे कि ड्यू टू टेररिज्म एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी में, अब उसी का ऊपर खड़ा होकर के जो रेगुलेशन ट्राई ने इस बार लाया है, अब देखिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक भारी बदलाव आ गया था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेन सर्विस था वॉइस, अब आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में डेटा बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो गया, उसका लिए क्या हुआ, वॉइस कम गया, इसीलिए नया नया सर्विस इंट्रोड्यूस हो रहा था, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट एडुकेशन, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट एग्रीकल्चर और बहुत सारा। अब समझ में आ रहा था ओटीटी सर्विस मेनली कंज्यूमर के पास पहुंचता है ऑन द बेसिस ऑफ राइडिंग ऑन टीएसपी नेटवर्क, मतलब वो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क है उसी के ऊपर वो चल के कंज्यूमर कर पहुंचता है। अब क्या हुआ, इसीलिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और ओटीटी सर्विस में आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन ओटीटी सर्विस ये सब काम करने के बाद भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो टीएसपी सर्विस प्रोवाइडर है उसका साथ कोई रेवेन्यू अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग कर नहीं रहा था। अब देखिए सेम थिंग इज हैपनिंग इन केबल इंडस्ट्री, यहाँ भी वही होता है जैसा ये जो केबल ऑपरेटर का जो केबल नेटवर्क है उसी के ऊपर चलते हुए हर सर्विस कंज्यूमर कर पहुँचता है, मतलब केबल ऑपरेटर का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी को यूज कर करके चैनल का जितना सर्विस है सब कंज्यूमर कर पहुँचता है, लेकिन केबल ऑपरेटर का साथ कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ना नेगोशिएट करता है ना कोई डायलॉग करता है उसको रेवेन्यू या रेवेन्यू शेयरिंग का लेकर के। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो नोट करना चाहिए, ये जो बिजनेस टसल है जो अभी चल रहा है ये रेगुलेशन लेकर के बिटवीन ओटीटी एंड टीएसपी, वहाँ पे लेकिन आईटीयू मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑलरेडी एक चीज़ सजेस्ट करके बैठा हुआ है, वो क्या है, ओटीटी वर्सेस टीएसपी के अंदर में एक वॉलेंट्री कमर्शियल अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये आईटीयू बोला है, दिस इज ए वेरी सीरियस नोट। इसीलिए ओटीटी एंड जो टीएसपी का जो मामला चल रहा, मतलब जिसका इसका किसी का क्लेम, किसी का डिमांड, किसी का कंप्लेन, ये जो भी हो रहा इसका ऊपर केबल इंडस्ट्री या केबल ऑपरेटर को बहुत दिमाग से इसको मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि टीएसपी का डिमांड ये लेकर के गवर्नमेंट का जो पॉलिसी या स्टेप आगे होने वाला है उसको लेकर करके आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, उसको पॉजिटिव आउटकम आता है, तब उसी के ऊपर बेस कर करके केबल ऑपरेटर का डिमांड प्लेस और रेज करने पड़ेगा, और उसमें क्या होगा, ये ऑल इंडिया बेसिस एक स्ट्रॉन्ग कमिटी बनना जरूरी है, बनेगा या बनना चाहिए, और हाई लेवल लीगल फाइट करने का जरूरत पड़ जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तब ये जो फाइटिंग होगा ये फाइटिंग पूरा इंडिया में छा जाना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत रिजल्ट जो निकलेगा वो केबल ऑपरेटर का बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा, कारण ऑल इंडिया में केबल ऑपरेटर का जो नेटवर्क तैयार किया है ऑपरेटर ने उसी के ऊपर राइड करके उसी के ऊपर चलते हुए हर चैनल या हर सिस्टम घर में पहुंच रहा है, बट केबल ऑपरेटर का साथ कोई भी जस्टिफाइड रेवेन्यू शेयरिंग का बात आज तक कोई नहीं किया। इसी के लॉजिक के ऊपर खड़ा होकर के आप लोगों को बता दूं, ऑल इंडिया डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन अब इसको लेकर के काम कर रहा और कोई भी अपना रिप्लाई सबमिट नहीं किया है, क्योंकि दिस इज ए फाइट बिटवीन टीएसपी एंड दी ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर, इसीलिए ये जो डीएसपीएफ है ये पूरा मॉनिटरिंग कर रहा, कोई अपना रिकमेंडेशन सबमिशन नहीं कर रहा अपना कमेंट, और पूरा इंसिडेंट के ऊपर नज़र रख रहा, क्योंकि कंसल्टेशन का जो आउटकम होगा उस समय इसके ऊपर बहुत काम करने पड़ेगा। फिलहाल ओटीटी में लेकिन लाइव टीवी जो चल रहा है उसको बंद करने के लिए लेकिन जरूर ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्शन प्रोपोजल जा सकते, इसमें कोई
सेकेंड थॉट नहीं है। सो इस ओटीटी रेगुलेशन का जो अभी पोजीशन आगे दिन में जो आने वाला है, जो केबल टीवी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला सकता है, अगर उसका जो इम्पैक्ट निकलेगा उसका अगर सही तरह एक्शन या स्टेप लिया जा सकता है तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल यूट्यूब चैनल एंड ऑन बिहाफ ऑफ DSPEF डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया, मैं सबको बोलूँगा जो हो रहा है होने दीजिए और पूरा नज़र इसके ऊपर रखिए। जब ज़रूरत पड़ेगा हर केबल ऑपरेटर को एक प्लेटफॉर्म में आकर के एक बड़ा फाइट करने पड़ेगा अपना हक निकालने के लिए, और वो हक तभी निकलेगा इसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर खड़ा होकर के उसको देखते हुए। सो केबल ऑपरेटर, मैं अभी मेरा अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। गेट यूनाइटेड, गेट सेट फॉर ए बिग फाइट। और जाने के पहले मैं सबको नमस्कार करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये प्रोग्राम देखिए और आगे देखने के लिए कलीग ऑपरेटर के पास इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करने का मतलब ये जितना ज़्यादा केबल ऑपरेटर के पास जाएगा उतना ज़्यादा केबल ऑपरेटर इसको सुनेगा, देखेगा, अपना बिजनेस आगे ले जाने के लिए अपना माइंड डेवलपमेंट करेगा। तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ शेयर दिस प्रोग्राम टू मोर एंड मोर केबल ऑपरेटर सो दैट people get united, can think about taking in the business in the next phase. So, thank you very much.